नमस्कार दोस्तों, आप सबको सीमाज किचन हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप सबको बटर चिकन की रेसिपी दिखाऊंगी, जिसके लिए आधा किलो चिकन ले लिए है, धो के साफ करके रख लिए है। उसको मैरिनेशन करने के लिए दही 2 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। ग्रेवी बनाने के लिए बटर चिकन की काजू 10 से 12 ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइस में काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज टमाटो को काट के ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1 बड़े चम्मच, खड़े मसालों में जावित्री का फूल 1, दालचीनी का 1/2 इंच का टुकड़ा 1, 2 लौंग, 3 हरी इलायची, तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़े चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़े चम्मच। तेल ग्रेवी बनाने के लिए और चिकन को फ्राई करने के लिए जितना ज़रूरत है ले लिए, 4 बड़े टुकड़ा बटर ले लिए हैं या 50 ग्राम बटर। अब पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेंगे 1 घंटे के लिए, आप चाहे तो 1/2 घंटा भी रख सकते हो। उसमें सारे सामान को मिला लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, दही, नमक स्वाद अनुसार और अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मैरिनेट हो गया है, इसको साइड कर लेंगे। अब इसके लिए ग्रेवी बना लेंगे। पहले गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे, जो तेल लिए थे रिफाइंड ऑयल लिए हैं। अब उसमें 2 बड़े क्यूब बटर डाल लेंगे, हम यहाँ 4 बड़े क्यूब बटर लिए हैं या 50 ग्राम, उसमें से 1/2 इसमें डाल देंगे और जो 2 क्यूब रहा उसको बाद में यूज़ करेंगे। और जो खड़े मसाले हैं उसको डाल देंगे और प्याज को, स्लाइस किया हुआ प्याज को डाल के अच्छे से चला लेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट होने तक भूनना है। हल्का सॉफ्ट हो जाए प्याज तब तक भूनना है। हमारा प्याज अभी सॉफ्ट हो गया है। अब उसमें काजू और टमाटो को डाल देंगे। हम यहाँ ग्रेवी के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट यूज किए हैं, आप चाहे तो खड़ा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 8 से 10 कली लहसुन और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक इसमें डाल के फ्राई कर सकते हो। तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिए और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हम चिकन मैरिनेट के लिए नमक डाले हैं, जितना ग्रेवी के लिए ज़रूरत है बस उतना ही हम डालेंगे यहाँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे जो बटर है उसमें भी नमक रहता है। ये बटर जो लिए है नमकीन वाला लिए है। और सारे सामग्री को मिला के थोड़ा पानी डाल के कुक होने के लिए देंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है ग्रेवी वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब बन गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके एक प्लेट को निकाल लेंगे मसाला को, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है हम गैस ऑन करके और एक कढ़ाई डाल चढ़ा लेंगे, वो उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे कि हमारे चिकन में जो काला काला स्पॉट आ जाएगा तब तक हम उसको फ्राई करना है। चिकन को तंदूरी बना के हम बटर चिकन में यूज़ करेंगे।
अब चिकन फ्राई हो रहा है, हमारा पेस्ट जो है वो ठंडा हो चुका है। अब उसको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए इस तरह पीस के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको छान के भी यूज कर सकते हो ग्रेवी में, लेकिन हम यहाँ पूरा फाइन पेस्ट कर लिए हैं। मैं यहाँ छानूंगी नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगी। देखिए और इधर देखिए चिकन भी कितना पानी छोड़ रहा है। अच्छे से कुक हो जाने तक हम उसको फ्राई करेंगे, एकदम लाल लाल हो जाने तक। देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, उसमें काला काला स्पॉट आ चुका है। अब चिकन फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब जो कढ़ाई में हम मसाला फ्राई किए थे ग्रेवी के लिए, उसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा लेंगे और जो मसाला पीस के रखे थे उसको डाल देंगे कढ़ाई में, और जो फ्राई किया हुआ चिकन है उसको भी मसाला में डाल देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे तेल छोड़ने तक, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो पहले हम फ्राई कर चुके हैं, ज़्यादा उसको भूनना भी नहीं है। मसाला को फ्राई किए हुए दो मिनट हो चुका है। अब उसमें गरम मसाला पाउडर और जो कसूरी मेथी लिए थे 1 चम्मच, उसको थोड़ा सूखा भून के हाथ में थोड़ा घिस के डाल दिए हैं, इससे अच्छा खुशबू आएगा हमारे बटर चिकन की। आप इस तरह घर में बटर चिकन बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब उसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे, ये मैं घर में बनाया हुआ जो दूध है उसी का मलाई है। अगर आपके पास वो मलाई नहीं है फिर भी तो 4 से 6 काजू को गर्म पानी में भिगो दीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, एकदम फाइन पेस्ट पतला वाला। आप उसको क्रीम की तरह यूज कर सकते हो। अब हमारा चिकन और जो मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अब इसी स्टेज में हम बटर 1 पीस डाल देंगे, जो बचा हुआ बटर था उसमें से 1 पीस डाल दिए और बटर मेल्ट हो जाने तक उसको भून लेंगे। अब तेल भी छोड़ चुका है। अब इस स्टेज में आप पानी डाल सकते हो जितना ग्रेवी रखना चाहते हो। हमारा जो जार है उसमें थोड़ा लगा हुआ था मसाला, उसको धो के हम इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा गर्म पानी भी डालेंगे, क्योंकि हमें और थोड़ा ग्रेवी पतला चाहिए, बहुत ठीक है। हम पानी डाल दिए हैं, अब उसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, देखिए हमें इतना ग्रेवी चाहिए। अब हमारा बटर चिकन तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्विंग करने की प्रोसेस में चलेंगे। सर्विंग प्लेट में सर्व कर दे रहे हैं। आप इस तरह घर में बटर चिकन बनाइए, रोटी पराठा नान के साथ खाइए, और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लग रहे है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सर्व हो गया है थोड़ा क्रीम और 1 क्यूब बटर के साथ गार्निश करके सर्व कर दिए गर्मा गर्म बटर चिकन।
थैंक यू।